नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने बेले के पौधे की केयर करें। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने समर सीजन के स्टार्टिंग में इसकी प्रूनिंग और केयर की थी, जिसकी वजह से ये काफी अच्छे से ग्रो किया था और उसके बाद इसमें काफी ढेर सारे से फूल भी आए थे और अभी भी कलियां आ रही हैं। लेकिन अभी आप इसकी हालत देख सकते हैं और अभी चल रहा है मई का आखिरी दिन, आज है 31 मई, और आप ये देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितना खराब होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, ये खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें प्रूनिंग करने के बाद और फर्टिलाइजर देने के बाद फिर इसमें मैंने किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मेरा ये पौधा काफी कमजोर हो गया है। इसकी आप लीफ भी देख सकते हैं कि एकदम हल्की ग्रीन कलर की होने लगी है, उस पर भी स्पॉट आने लगे हैं ये बर्निंग के, कलियां भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारा लक्षण यही है कि आपकी सॉइल में कमी है, जो भी आपके पॉट की ये सॉइल है इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। तो इस केस में हमारे प्लांट को फूड की जरूरत है, अगर आप ये प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो आपका ये पौधा धीरे धीरे करके सूख जाएगा। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है वो ये है कि इसमें किस तरीके की फर्टिलाइजर हम दे सकते हैं। वैसे तो अगर इस टाइम पे हम इसमें एनपीके दें तो काफी बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टेरेस गार्डन में अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप मोस्टली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों मस्टर्ड केक, जिसको कि हम खली भी बोलते हैं, सरसों की खली। और ये हमारे टेरेस गार्डन में अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और इसको आप साल के किसी भी महीने में दे सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसे सिर्फ विंटर सीजन में दिया जाए या समर सीजन में दिया जाए। हाँ, थोड़ी सी सावधानी अगर आप समर सीजन में दे रहे हैं तो बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एनपीके के सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों चीजें पाई जाती हैं, और समर सीजन में हमारे जो ये प्लांट होते हैं इनको नाइट्रोजन थोड़ा सा कम चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म पड़ने की वजह से आपकी सॉइल का नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप समर सीजन में इनको अपने प्लांट में दे सकते हैं और बहुत आसान तरीके से ये फर्टिलाइजर तैयार हो जाती है। पहला मेथड तो ये है कि आप इसका पाउडर बना लें और हर पॉट में 5 से 10-10 ग्राम पाउडर आप डाल दें, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन प्रेफर करता हूँ, वो है लिक्विड फर्टिलाइजर। तो आपको इस तरीके की मस्टर्ड केक को लेना है और 5 लीटर पानी में तकरीबन 100 ग्राम आपको ये मस्टर्ड केक डाल देना है अगले 24 से 48 घंटे के लिए भीगने के लिए, जो कि भीगने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ करीब से दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा फर्टिलाइजर भीग चुका है और यह अभी इसी में धीरे धीरे करके पूरा घुल जाएगा। और घुलने के बाद आपको इस पानी को 5 लीटर में 100 ग्राम आपको ये मस्टर्ड केक लेना है और उसके बाद 24 से 48 घंटे तक पानी में भीगने के लिए रख देना है। देन उसके बाद आपको इस पानी को अपने सभी प्लांट को देना है, स्पेशली अगर उस प्लांट की सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो रही हो, क्योंकि दोस्तों टाइम टाइम पे इन पौधों को भी फूड की जरूरत होती है, सिर्फ सॉइल से इनका काम नहीं चलता है। स्पेशली जो सीजनल प्लांट होते हैं, जो कि अपने स्पेसिफिक सीजन में काफी ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं, उनके लिए खास तौर पर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेला हमें समर सीजन में काफी ढेर सारे फूल देता है, तो ये इसका मेन टाइम होता है, तो इसीलिए इस टाइम पर इसको काफी ज्यादा फर्टिलाइजर देने की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम इसमें ये मस्टर्ड केक का जो अभी हमने ये लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया है, ये हम अपने इस पौधे को देंगे और इस तरीके से हमारे जो भी वेजिटेबल या फ्लावरिंग प्लांट हमने अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर रखे हैं वो हम देंगे। और आप हर 15 से 20 दिन में एक पौधे में आपको 100 ml से ज्यादा नहीं देना है। तो अब हम ये फर्टिलाइजर अपने पौधे के चारों तरफ दे देंगे और ये फर्टिलाइजर आप या तो अर्ली मॉर्निंग दें या फिर लेट इवनिंग के टाइम पर दें। दिन के टाइम पर ये फर्टिलाइजर आपको अपने पौधे को नहीं देना है, या इवन आप कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो दिन के टाइम पर ना दें। तो अब ये हमने फर्टिलाइजर दे दिया, अब हम 15 से 20 दिन के बाद इसको फिर से फर्टिलाइज करेंगे, तो इससे धीरे धीरे हमारा ये पौधा हेल्दी होने लगेगा और इसमें आपको अच्छी ग्रोथ भी दिखने लगेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आप हमेशा याद रखिए कि हमेशा प्लांट को एक फर्टिलाइजर ही ना दें, क्योंकि सब में अलग अलग मिनरल्स न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, तो आप बदल बदल कर दें। तो जैसे कि अगर मैं अपने इस प्लांट की बात करूं तो मैं अब अगले 15 दिन के बाद इसको किसी दूसरे तरीके की फर्टिलाइजर दूंगा, हो सकता है मैं बनाना पील फर्टिलाइजर दे दूं, या फिर हो सकता है कि घर में निकलने वाले वेजिटेबल छिलके को उसका मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर उसको मैं दे दूं। तो इस तरीके से अलग अलग लिक्विड फर्टिलाइजर आप अपने घर में तैयार करके टाइम टाइम पर अपने पौधे को हर 12 से 15 दिन पर देते रहें। और ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप अपने घर में कैसे तैयार करें, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी शेयर कर दिया और वीडियो के अंत में भी उसका लिंक आएगा, तो आप उसको क्लिक करके उसको देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये अब आप देख सकते हैं कि 31 मई को मैंने इसमें पहली बार फर्टिलाइजर डाला था और आज 15 दिन हो गए हैं पूरे, आज है 16 जून और अब आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी नए नए बर्ड्स आने लगे हैं और इवन इनकी पत्तियों का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, जो कि पहले येलो पड़ने लगी थी अभी इनमें ग्रीन कलर आने लगा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, अदरवाइज ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि अगर आपने कोई खाद डाल दी और वो 2 दिन में आपके पौधे की हेल्थ को ठीक कर देगा। तो इसीलिए मैं आपको ये पूरा अपडेट दिखा रहा हूँ कि ये 15 दिन के बाद जो कि मैंने पहली फर्टिलाइजर डाली थी और अब इसमें पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आने लगा है। और आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम पे मैंने अपने इस प्लांट की प्रूनिंग क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इसको फर्टिलाइजर भी दिया था तो थोड़ा सा प्रूनिंग करना था। नहीं, मैंने उस टाइम पे नहीं किया क्योंकि इसकी हेल्थ ऑलरेडी काफ़ी ख़राब थी और अब ये हमारा पौधा काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और आज 15 दिन हो गए हैं पूरे और आज चल रहा है 16वां दिन, तो इसलिए अब मैं इसको दूसरी फर्टिलाइजर दूंगा और इसकी अब मैं थोड़ी सी प्रूनिंग भी करूंगा ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो और काफ़ी बुशी हो। तो बिना स्किप किए हुए दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली समर सीजन में हमारे प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर भी नहीं दे रहे होते हैं और गर्मी बहुत तेज पड़ रही होती है, उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इस वजह से हमारे पौधे खराब होने लगते हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा प्रून कर देंगे। तो अभी हमने दोस्तों इसकी अब कटिंग कर ली है, लेकिन मैंने अभी इसको बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी मैंने इसकी प्रूनिंग करी क्योंकि अभी इसका मेन सीजन है फ्लावर देने का। तो अगर आप इसको बहुत डीप कट कर देंगे तो उस केस में पूरा सीजन ले लेगा सिर्फ ग्रो करने में, और अभी वैसे भी जून का महीना चल रहा है, आज 16 जून है। तो चलिए अब हम इसमें देते हैं थोड़ी सी खाद। तो दोस्तों आज मैं जो इसको ये खाद देने जा रहा हूँ ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जैसा कि अब आप देख भी सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और ये पार्ले एग्रो का प्रोडक्ट है। मैंने इसका काफ़ी ऑनलाइन लिंक ढूंढने की भी कोशिश की थी क्योंकि मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई लिंक ना मिलने की वजह से मैं वो लिंक आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे घर के पास लोकल नर्सरी की शॉप पर इजिली अवेलेबल हो जाती है और मैं इसका यूज़ काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली मुझे इससे बेनिफिट होता है, इसलिए मैं आपको अपने कई वीडियोज़ में इसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए, ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और क्योंकि अभी समर सीजन भी चल रहा है तो इसमें मैं अभी इस टाइम पर किसी भी तरीके की केमिकल फर्टिलाइजर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ गर्म होने की वजह से हमारा पौधा जल सकता है, बर्न हो सकता है, इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बेस्ट है। तो 15 दिन के बाद आप सेकेंड टाइम फर्टिलाइज़र दें और ये प्रोसेस आपको स्पेशली उन प्लांट्स को जिनका कि मेन सीजन चलता है, जिसमें कि फूल आ रहे होते हैं या फल आ रहे होते हैं, हर 15 दिन पर उनको फर्टिलाइज़र देना कंपलसरी होता है। तो ये दोस्तों तकरीबन मैंने 50 ग्राम खाद ले ली है और इसका भी हम अपने इस पौधे पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम, जब भी आप ड्राई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसको सिर्फ ऐसे ही गमले में ना डालें, उससे पहले थोड़ा सा हम एटलीस्ट 2 से 3 इंच अपनी सॉइल को थोड़ा सा खोद लें, इससे आपकी खाद आपकी मिट्टी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है और आपके पौधे को इमीडिएट बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब आप अपनी इस खाद को मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब हम इसमें दे देंगे पानी। तो जब भी आप पहली बार फर्टिलाइजर दे रहे हैं अपने पौधे को तो बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, सिर्फ इतना पानी डालें कि वो आपकी पूरी सॉइल को कवर कर ले। बहुत ज़्यादा अगर आप पानी डाल देते हैं पॉट को पूरा ऊपर तक भर देते तो उससे होता क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो भी आप फर्टिलाइजर देते हैं उससे मैक्सिमम न्यूट्रिशन रिलीज होते हैं और वो फिर पानी के साथ बाहर चले जाते हैं और फिर उसमें से आपकी काफ़ी फर्टिलाइजर वेस्ट हो जाती है। तो पहली बार में थोड़ा सा पानी दें कि आपकी पूरी सॉइल के साथ वो फर्टिलाइजर और उसके न्यूट्रिशन अच्छे से मिक्स हो जाए, देन उसके बाद आप अपने प्लांट पर रेगुलर वॉटरिंग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने टेरेस गार्डन में सही टाइम पर अगर आप सही एक्शन लेते हैं तो आपके ये बेले के पौधे पूरे सीजन आपको देंगे ढेर सारे फूल। और मैंने स्पेशली इसमें इसीलिए फर्टिलाइजर नहीं दिया था ताकि ये कुछ सिचुएशन पे पहुंचे और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।